हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट बुक के चैप्टर नंबर 15 स्ट्रिंग के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्ट्रिंग का कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कंसोल के ऊपर या हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसका डिस्प्ले शो कर सकते हैं कि क्या नॉर्मल तरीके से जैसे हम इनपुट लेते हैं वैसे हमारा काम चल जाता है, या इसके लिए कुछ अलग से कीवर्ड्स होते हैं, उन सब के ऊपर हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, स्कैनअप इज नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। जैसे कि स्कैनअप हम यूज करते हैं कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए, तो जब भी कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेते हैं तो इनपुट लेते हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी, कैरेक्टर का परसेंट सी होता है। उसी तरीके से स्ट्रिंग को अगर स्कैनअप के थ्रू एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंट एस, जो कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। लेकिन अगर हमारी जब हम बात करते हैं मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की, जैसे कि मुझे लिखना है कि माई नेम इज सुनील चौधरी, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप स्कैनअप का तो यूज कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्कैनअप को जैसे आप स्पेस की एंट्री करेंगे वो नया दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करने की डिमांड करने लग जाता है कि किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर इसकी एंट्री करो। तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो करते हैं हम गेट्स के थ्रू। अब ये गेट्स को किस तरह यूज करते हैं ये हम प्रोग्राम के थ्रू जरूर चेक करेंगे। अगर हमें स्कैनअप के थ्रू ही स्ट्रिंग को मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करवाना है तो उसके अंदर हम यूज करते हैं ये कैपिटल के अंदर जो कैप लगी है वो स्लैश एन। ये इंडिकेट करती है स्कैनअप को, ये कमांड देती है कि आपको कंटिन्यूस रहना है जब तक कि आप एंटर प्रेस नहीं करते या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर एंट्री नहीं करते हैं, तब तक आपको सिंगल वेरिएबल के अंदर ही उसको स्टोर करना है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप इसको मेंटेन करके चलें, हर बार जब भी स्कैनअप करें तो ये वाला कमांड उसके अंदर लिखें, ये जरूरी नहीं है। तो इस मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमारे पास होता है GETS। अब हमारे पास में जो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग आ गई, कोई भी स्ट्रिंग आ गई है, उसको आउटपुट में हमें शो करना है। तो आउटपुट में शो करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, प्रिंट एफ और पुट्स। पुट्स बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हैं और परसेंट एस का यूज करते हैं प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट को शो करने के लिए। अब जो भी हमने डिस्कस करा है इसको हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हम इनपुट के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन getch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब हमें डिक्लेयर करना है कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा को अगर स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा। स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर ऑफ एरे, तो हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैरेक्टर ऑफ एरे। हमने कर दिया नेम, इसके अंदर मान लेगा हमने 50 कैरेक्टर की लेंथ दे दी है। उससे पहले चलो लेंथ विदाउट लेंथ दिया, हम इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एफ नाइन करा हमने। एक एरर आ गया हमारे सामने, क्या एरर आई है, साइज ऑफ नेम इज अननोन और जीरो। तो मतलब जब भी कैरेक्टर एरे डिफाइन करना है तो उसके साइज डिफाइन करने, तो एरे का जो बेसिक रूल होता है वो तो इसके ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि ये भी एक एरे ही है। अब इसको रन कराते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी हमारे पास में, बिल्कुल एजिटिस ठीक है। अब इनपुट हमें लेना है कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट अभी तक हम लेते हुए हैं तो कैसे लेके जाए, हमेशा हमने यूज करा किसका, स्कैनअप का। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे भी स्कैनअप का, प्रिंट एफ एंटर एनी वैल्यू, ये हमने स्लैश एन कर दिया, जो वैल्यू आई है उसको हम वापस से प्रिंट अप के अंदर शो भी करेंगे। शो करेंगे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा को डिस्प्ले में करने के लिए या फिर इनपुट लेने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंट एस। तो परसेंट एस लिया और ये हमने प्रिंट करा दिया। अब उसको हम स्कैन करवाते हैं, स्कैन करवाया मैंने स्कैन एप, कैसे करवाना है, परसेंट एस यहाँ पे दिया मैंने नेम। अब मैं इसको रन कराया, देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ उसके अंदर माई नेम इज सुनील। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो उसने क्या करा हमारे पास में, आउटपुट में केवल माई शो करा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने स्पेस एंट्री करी इसके अंदर तो उसने सोचा कि किसी सेकंड वेरिएबल के अंदर डेटा की एंट्री करनी, ना कि उसी वेरिएबल के अंदर कंटिन्यू करना है। तो उस कंडीशन के क्या करते हैं, इसको इनपुट के अंदर ले लिया परसेंट एस का फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं अगर हमें यूज करना है केवल और केवल परसेंट एस, स्कैनअप का यूज करके हमें इनपुट लेना है तो क्या करना होगा, इसके अंदर हम शो क्या कर देते हैं इस तरीके से, कैपिटल में ये जो कैप लगाई वो लिख देते हैं स्लैश एन। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। हमने टाइप करा माई नेम इज सुनील,
तो इसने आउटपुट में दे दिया हमें माई नेम इज सुनील। तो स्कैनएप के थ्रू अगर आपको मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग को एंटर करना है कीबोर्ड के थ्रू तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से इसको शो करना होगा। और इसका सिंपलेस्ट वे जो होता है वो होता है GETS को यूज करके, GETS का यूज करके हम इसको सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको यूज करेंगे GETS का यूज करके, GETS ये कर दिया मैंने और इसके अंदर क्लिक किया नेम, इसको मैंने रन कराया, एंटर एनी वैल्यू, तो मैंने देखिए डाला इसके अंदर माई नेम इज सुनील चौधरी, आउटपुट में से दे दिया हमको माई नेम इज सुनील चौधरी। तो सिंपल था कि जब हमें मल्टीवर्ड स्ट्रिंग का यूज करना है तो हम स्कैनर को यूज क्यों करेंगे, हम उसके अंदर ये पहले तो कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कैप्स लगाएंगे, स्लैश एन लगाएंगे, तो इतना तमझाम हम क्यों करेंगे, हम सीधा सीधा GETS का यूज करेंगे और स्ट्रिंग की एंट्री ले लेंगे। अब स्ट्रिंग की एंट्री हमने ले ली है तो उसी तरह जैसे हम प्रिंटएफ को यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, उसी तरीके से GETS की तरह हमारे पास दूसरा होता है पुट, जो कि हमारे पास में डेटा को डिस्प्ले में दे देता है। हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं PUTS, कंट्रोल F9 करा मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू एंटर करी है, एंट्री करी तो एज इट इज हमारे सामने प्रिंट हो गई। तो इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट नॉर्मल स्कैनर से भी ले सकते हैं और मल्टीपल वर्ड स्ट्रिंग को लेने के लिए रिकमेंडेड क्या होता है GETS, और डिस्प्ले करवाने के लिए होता है PUTS। हमने इसके अंदर दो नए कीवर्ड का यूज करा है GETS एंड PUTS, और स्कैनर की भी एक अलग से एक्सप्रेशन देखा जाए किस तरीके से उसको मल्टीपल वर्ड्स को एंटर करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।